दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया और किशनगंज में कल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप बुधवार की सुबह ही आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 5:35 पर महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी जा चुकी है। नेशनल फॉर सेंटर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आने से किसी तरह की जान माल की क्षति की कोई भी खबर नहीं है। जब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहाँ पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी। भूकंप बुधवार सुबह 5:35 पर आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भूकंप क्यों आता है, कारण क्या है? तो भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट पाए जाती है जो लगातार घूमती रहती है। जब प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती है तो फिर वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं, जहाँ पर मुड़ने की वजह से दबाव बनता है जिससे प्लेटर्स टूटने लगती है। इन प्लेटर्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है जिसकी वजह से धरती हिल जाती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार में गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह गर्मी का दिन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में शुरू होने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में गठित महामारी कमेटियों को बचाव का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को अध्यक्षता में गठित महामारी कमेटी को निर्देश दिया है कि सुखाड़ से होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों को पहले के अनुभव के आधार पर चिन्हित कर लिया जाए। साथ ही चिन्हित किए गए क्षेत्रों में कहीं भी सुखाड़ से बीमारी होती तो फिर अविलंब बचाव और फिर इलाज का काम शुरू कर दिया जाए। यह राज्य स्वास्थ्य समिति को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि मनीष कश्यप के बचाव में अब एक्टर सोनू सूद आ गए हैं। जब सोनू सूद ने मनीष कश्यप के पक्ष में उस वक्त एक ट्वीट किया है जब यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु प्रकरण में बुरी तरीके से उलझे हुए हैं और फंसे हुए हैं, और बिहार में गिरफ्तारी के बाद अब तमिलनाडु में एनएसए एक्ट लगा करके पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मनीष कश्यप को रिमांड पर भेजा गया है, जब वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मनीष कश्यप ने भी खटखटाया है, जहाँ कठोर पुलिस या कार्रवाई से बचने की मांग पर राहत नहीं मिली है और अलग अलग राज्यों में दर्ज मुकदमों को क्लब करने की मांग पर सुनवाई अभी बाकी है। अभिनेता सोनू सूद मनीष कश्यप के पक्ष में उतर आए हैं और उनके बचाव में एक ट्वीट भी किया है। सोनू सूद के इस ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। जब कोई सोनू सूद के इस कदम की सराहना कर रहे हैं तो फिर कोई आलोचना करने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। जब सोनू सूद ने ट्वीट में लिखा है कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूँ, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उसे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वे देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो कुछ भी होगा वही सही होगा। यह सोनू सूद के इस ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। यह ट्वीट पर जो प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, जब उसमें कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसे मौके पर समर्थन में क्यों आए हैं। कोई सोनू सूद से पूछ रहा है कि आप भी जितना जानने की बात कर रहे हैं तो फिर बताइए कि कितना जानते हैं उसे। जब वही दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं में किसी पर भी सोनू सूद ने रिएक्ट नहीं किया है, यानी कि सोनू सूद के इस ट्वीट पर किसी ने समर्थन किया है तो किसी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा पैसा वाला है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक राहुल गांधी के पास बहुत पैसे हैं और वे पीएम मोदी से ज्यादा अमीर है। जी हां, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पैसे वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी 637% ज्यादा अमीर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2,23,00,000 रुपए की संपत्ति है। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुल 14,85,00,000 रुपए की संपत्ति के मालिक है।
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं, उन अंगूठियों की कीमत 1,73,000 बताई जाती है। राहुल गांधी के पास भले ही अब कुछ संपत्ति हो, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई घर नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में खुद इस बात को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी कोई भी जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक जमीन गांधीनगर में थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया था। राहुल गांधी को विरासत में 2,34,00,000 रुपए की जमीन मिली है, जो दिल्ली में महारैली में है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में सियासत का केंद्र बने सारस पक्षी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जब यहां अमेठी का चर्चित आसिफ कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचा और सारस पक्षी से मिला। जहां सारस से मिलने आसिफ के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे थे। आरिफ और अमिताभ वाजपेयी ने प्राणी उद्यान के डॉक्टरों से सारस का हालचाल जाना। आरिफ से अलग होने के 27 दिन बाद सारस पक्षी उसे देखते ही खुशी से चहक उठा, जब वह उसके पास आने के लिए बेचैन हो गया। आरिफ ने जैसे ही उसे उड़ने के लिए इशारा किया, तो फिर वह अपने बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा और बार बार बाहर आने की कोशिश करने लगा। जब अपने बिछड़े दोस्त को एक बार फिर से देख करके वह अपने हाव भाव से खुशी जाहिर करने लगा। आरिफ लगभग 10 मिनट तक अपने दोस्त के पास रहा। जहां उसके पहले कानपुर चिड़ियाघर में सारस से मिलने पहुंचे आरिफ को चिड़ियाघर प्रशासन से उससे मिलने की अनुमति नहीं मिली थी। ये अनुमति क्वारंटाइन खत्म होने के बाद दी गई थी। जब वहीं सारस पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले सारस को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कई बार बीजेपी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव सारस से मिलने उनके साथ पहुंचे थे। जी हां, आरिफ के साथ पहुंचे थे, लेकिन दोनों को मिलने नहीं दिया गया। इसकी वजह उनका क्वारंटाइन में होना बताई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर निशाना साधा है। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं। इस पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और फिर विकास पर चर्चा के दौरान अमेरिका में की गई सीतारमण की टिप्पणियों का खंडन करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि विश्व गुरु की वित्त मंत्री के लिए बेंचमार्क पाकिस्तान है। संघ परिवार की संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भी भारत में मुसलमान फले फूले हैं। मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के खिलाफ बंधक या फिर मैक्स टॉक्स नहीं हैं। जब हम नागरिक हैं, हम सम्मान और फिर न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि यदि हिंदुओं का एक वर्ग बेहतर जीवन स्तर की मांग करता है, तो फिर क्या आप उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे क्योंकि सोमालिया में अधिकांश लोग बदतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ये हानिकारक है, लेकिन भाजपा इसे सम्मान समझती है। उन्होंने आगे ट्वीट करके कहा है कि आबादी जनसंख्या की कारकों के आधार पर बढ़ती या फिर घटती है, ना कि किसी सरकार के परोपकार या फिर द्वेष पर। हालांकि मान लें कि सरकार की भूमिका है, तो फिर जनगणना के बाद होने वाली जनगणना भारत में मुस्लिम आबादी के विकास में गिरावट दर्शाती है। क्या इसका मतलब यह होगा कि सरकार पुरुषवादी है? ओवैसी ने लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि या फिर गिरावट ही अल्पसंख्यकों के इलाज का एकमात्र पैमाना नहीं है। आज के भारत में नरसंहार धर्म संसद को लेकर के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया और लोगों से हथियार रखने के लिए कहा। अकेले महाराष्ट्र के एक राज्य में 50 मुस्लिम विरोधी घृणा रैली हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया जिले के भरगामा प्रखंड में स्थित महाविद्यालय अब खंडहर में तब्दील हो गया है। यह साथ ही महाविद्यालय की जमीन पर भूदाता के परिवार वालों ने कब्जा कर रखा है। इस महाविद्यालय को पुनर्जीवित करने को लेकर के भूदाता के पोते रेशम अभिषेक उर्फ बब्बन यादव ने फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर के इसे कब्जा से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि इस कॉलेज को फिर से बनवा करके इसमें पढ़ाई शुरू करने की दिशा में आगे काम हो सके। क्योंकि यहां छात्र छात्राओं को इंटर से ऊपर की करने के लिए काफी दूर या फिर दूसरे जिले जाना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि हेट स्पीच मामले में दोषी कांग्रेस के निलंबित सांसद राहुल गांधी कल पटना कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचे। जहां इनके वकील ने राजधानी पटना के MP MLA कोर्ट में इस मामले में कोर्ट से अगली तारीख की मांग की है। वहीं सुशील कुमार मोदी के वकील प्रिया गुप्ता ने बताया है कि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सशरीर बुलाया था।
जी हाँ, इसके बाद भी वे नहीं आए। जहाँ इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने साल 2019 में ही राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला दर्ज कराया था। जहाँ इसको लेकर कि अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का समन जारी किया था, जिसके बाद कल राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे और फिर उनके वकील ने कोर्ट से इस मामले में सुनवाई को लेकर के कोर्ट से अगली तारीख की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर ये मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर कहकर के अपमानित किया था। जब फिर केस में कांग्रेस नेता ने अदालत में सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उसे जमानत मिल गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मंगलवार को 5000 से अधिक लोगों के दूसरे दलों से को छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। इसके साथ ही बिहार की महागठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस वक्त जो सरकार है वह कब पलटी मारेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जब उन्होंने कहा कि इस सरकार की नीति भी कुछ ऐसे ही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली की नई नियमावली आई है। इस नियमावली से जिन नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नौकरी की गारंटी देने की बात कही गई थी वे आज सड़क पर है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का कमिटमेंट है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का जो वादा मंत्री और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने किया था उसका क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप ऐसे वोट कीजिए कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 0 सीट मिले। जहां उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हम जातियों की समीकरण बना रहे हैं, लेकिन आप सभी से अपील है कि जाति से ऊपर उठ करके बूथ पर जाएं और प्रदेश की यानी कि बिहार की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाएं। या इस मौके पर उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार को 5 बार सीएम बीजेपी ने बनाया है। जहाँ सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि ईडी और फिर सीबीआई हमने नहीं बनाया, जब कांग्रेस के लोगों ने ही इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कोई नई व्यवस्था तो लागू नहीं की है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि बताएं कि लालू यादव के खिलाफ ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा था या नहीं, जब खुद कुआं खोदे और फिर उसी में गिर गए। दोस्तों एक तरफ लैंड फॉर जॉब स्कीम को लेकर के यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर के लालू एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, वही आरजेडी इसको लेकर के केंद्र पर हमलावर है और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कीम को लेकर के बड़ा बयान दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ा बयान दिया है। जब भले ही पीएम मोदी ने लालू का नाम लेने से परहेज किया हो, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उबाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू पर तब निशाना साधा जब वे राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दे रहे थे, जब पूरा देश इस मौके पर पीएम मोदी को सुन रहा था। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर के पूर्व रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया है। दोस्तों किशनगंज में एक ऐसे डीडीसी की तैनाती हुई है जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि वे अंधे हैं। यही नहीं, वे काम को बहुत ही बखूबी अंजाम देते हैं। हम बात कर रहे हैं 2019 बेंच के आईएएस पास कर चुके डीडीसी अधिकारी अस्पर्श की, जो अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देख सकती है। डीडीसी अधिकारी अस्पर्श गुप्ता आंखों से नहीं देखने के बावजूद भी वे अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं। जब किशनगंज में डीडीसी पद पर कार्यरत आईएएस अस्पर्श गुप्ता आंखों से नहीं देखते हैं, जहाँ बल्कि वे अपने दिमाग की आंखों से देखते हैं। आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का सहारा लेकर के अपनी तलाश पूरी की है। उनकी आंखों ने बचपन में कई सपने देखे थे। उस सपनों में सबसे बड़ा सपना आईएएस बनना था। जहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष के बल पर आईएएस अधिकारी बनकर के इतिहास रच दिया। जब जन्म के कुछ दिनों के बाद ही आंखों की रोशनी जाती रही, तो फिर माँ ने हिम्मत बंधाते हुए आंखों को चूम करके ये दुआ की थी कि ईश्वर मेरे लाडले के जीवन को मोतियाबिंद से भर दें। माँ की दुआ सच साबित हुई और अस्पर्श गुप्ता ने आंखों के बल पर नई इतिहास लिख डाली है। जब किशनगंज में डीडीसी के पद पर योगदान करने से पहले अस्पर्श गुप्ता कहते हैं कि दृष्टि बाधित होना यानी कि अंधा होना कार्य क्षमता को कतई प्रभावित नहीं करता है। मैं बीते 1.5 साल से दरभंगा में बतौर एसडीपीओ कार्यरत रहा हूं। मैंने प्रशासनिक कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है। उनका बतौर डीडीसी किशनगंज में पदस्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उन्होंने बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर मैं किशनगंज में पदभार ग्रहण कर लेंगे।
जब उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक मेंटल बैरियर है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं, हमें उनसे बाहर निकलना होता है। स्पर्श गुप्ता 2019 बैच के IAS अधिकारी हैं, जहां उनका जन्म कैटरेक्ट के साथ हुआ था, यानी कि एक तरीके का मोतियाबिंद है उनके साथ हुआ था, और समय के साथ साथ उनकी दोनों आँखों की रोशनी पूरी तरीके से गायब हो गई, चली गई। हालाँकि रोशनी जाने से स्पर्श ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए IAS जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है, जहां उन्हें एक तेज तर्रार और व्यवहार कुशल अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वे प्रतिदिन नए सपने देखते हैं और उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होकर के 8 मई 2023 तक चलेगा। साथ ही बोर्ड ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, जहां परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com के जरिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, जब पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। बिहार बोर्ड 10th स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी है। आपको बता दूं कि इस साल 12वीं में कुल 83.70% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। जब बोर्ड की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार कुल 2,13,338 स्टूडेंट 12वीं परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, जो अब पूरक परीक्षा में शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का प्रतिशत इस बार अधिक रहा है। साइंस, कॉमर्स और फिर आर्ट्स में छात्रों ने टॉप किया था। दोस्तों, बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी देशों में भारत में अल्पसंख्यक विशेषकर के मुस्लिमों की स्थिति को लेकर के की जा रही बयानबाजी के बीच यहां कहा कि साल 1947 के बाद भारत में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और इसमें वृद्धि जारी है, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी कमी आई है। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आए निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन DC में स्थित अमेरिका के थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलापन और फिर विकास पर चर्चा के दौरान भारत की नकारात्मक पश्चिमी धारणा का करारा जवाब दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी बारिश औसत से कम होगी, या कुछ एक जिलों में ही औसत बारिश संभव है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए प्रारंभिक पूर्वानुमान में साफ तौर पर बता दिया गया है कि बिहार में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां सामान्य या फिर इससे अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान हो। जहाँ IMD पटना की तरफ से जारी आधिकारिक बुलेटिन में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि IMD मई के अंतिम सप्ताह में मानसूनी बारिश को लेकर के एक बार फिर से अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी और फिर मार्च में इस साल उत्तरी गोलार्ध में बर्फ से ढके क्षेत्र सामान्य से कम पाए गए हैं। इस घटनाक्रम का मानसून के साथ सामान्य तौर पर विपरीत संबंध होते हैं। यह साथ ही पूर्वानुमान में कहा गया है कि वर्तमान में ला नीना तटस्थ हो गया है। रिपोर्ट्स में खतरनाक संकेत दिया गया है कि मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित होने की संभावना है। इधर बिहार में 14-15 अप्रैल से लू चलने की आशंका है, ऐसी स्थिति उसके 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। इधर मंगलवार को दक्षिणी बिहार में पारा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जब मंगलवार को बिहार का सबसे अधिक तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सबसे अधिक तापमान पटना और फिर डेहरी में 39 डिग्री, गया में 39.5, जमुई में, औरंगाबाद और फिर गया में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 10,000 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति होगी, या इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है, जब वे विभाग के आला अधिकारियों के साथ भूमि सर्वे की मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि सर्वे खत्म होने के बाद इन्हीं कर्मियों से चकबंदी का काम भी लिया जाएगा। फिलहाल बिहार के 20 जिलों के 89 अंचलों की 4,945 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसके लिए 208 शिविर बनाए गए हैं। जहाँ इन 4,945 मौजों में से 375 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यहां खतियान और नक्शा का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। अब तक 1,000 से अधिक मौजों गांव में प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी कहा है कि भूमि सर्वे से पूरे राज्य की राजस्व व्यवस्था और फिर कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके कारण ये काम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसके द्वारा हरेक माह इसके कार्य की प्रगति की समीक्षा खुद की जाएगी। इसमें बेहतर काम करने वाले 5 बंदोबस्त पदाधिकारियों, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सरकार की योजना में अरंगा लगाने वालों को भी चेतावनी दी है और कहा है कि जो इसके दोषी पाए जाएंगे उन्हें
काम से हटा दिया जाएगा और फिर उनकी जगह नए लोगों की नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में क्या गेहूं की खरीद को लेकर के सरकार की तरफ से डेट जारी कर दी गई है। राज्य के अंदर इस महीने के 20 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं तारीख जारी होने के साथ ही सरकार के पास अब सबसे बड़ी चुनौती टारगेट पूरा करना बताया जा रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से तारीख जारी करने के साथ ही अब लोकल व्यापारी किसानों के खेत में जाकर ही गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं। ये व्यापारिक किसानों को तुरंत भुगतान भी कर रहे हैं, जिसके कारण अब सरकार के पास फिर से चुनौती बन गई है कि उसके पास गेहूं की पैदावार को करके जो टारगेट तय किया गया है उसे कैसे पूरा किया जाए। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से इस बार 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। इसको लेकर के जो रेट तय किया गया है वह 2115 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि इस बार रेट पिछले साल से 110 रुपये ज़्यादा है, इसके बावजूद भी इसे अभी भी गेहूं का बाजार भाव 2200 रुपये के बीच चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसका सबसे अधिक असर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के ऊपर हो रहा है। वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अप्रैल के महीने में स्कूल संचालित होने जा रही है। हालांकि कई अभिभावक फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजना कितना उचित होगा। इसी बीच महानगरों में स्कूलों ने कोविड को देखते हुए अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों से अपील की है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। या इसके साथ ही नोएडा और फिर गाजियाबाद में बढ़ते केस को देखते हुए मास्क पहनने के निर्देश दिए जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दूसरे बच्चों से उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए। ऐसे माहौल में राहत की बात यह है कि टीकाकरण से गंभीर बीमारी की संभावना कम हो जाती है। जब इंसान खुद सुरक्षित रहेंगे तो फिर दूसरी ओर भी खतरा कम होगा। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है, जहाँ लोगों को मास्क पहनना चाहिए और फिर नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। वहीं प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बड़े उत्सवों में भाग लेने के दौरान और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने। दोस्तों बिहार का दूध उत्पादन राष्ट्रीय औसत से काफी आगे हैं। जब बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहा है, 2006 में राज्य का एक व्यक्ति प्रतिदिन 154 ग्राम ही दूध पी रहा था। इन 17 सालों में 246 ग्राम अधिक दूध का सेवन बिहार का व्यक्ति प्रति व्यक्ति कर रहा है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध सेवन का राष्ट्रीय औसत बढ़ गया है। साल 2021 तक देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 407 ग्राम दूध पी रहा था, अब देश में 444 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन करते जा रहा है। साल 2021 तक बिहार के लोग राष्ट्रीय औसत से महज 7 ग्राम कम दूध पी रहे थे। वर्तमान में ये फासला बढ़ा है, अब नेशनल औसत से 44 ग्राम कम दूध बिहार के लोग पी रहे हैं। इधर दूध उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया। कुछ गांव को चिन्हित करके वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया है। इसमें पाया गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जातिगत गन्ना का दूसरा फेज 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होगा। जहां हर परिवार के सदस्यों का डिटेल भरने के लिए पटना जिले में बुधवार से 45 चार्जों में 15 लाख फॉर्म बांटने का काम शुरू होगा। चार्ज अधिकारियों को फॉर्म उपलब्ध कराने के बाद परगनों के बीच फॉर्म का वितरण होगा। गन्ना को लेकर के परगनों को और फिर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम मंगलवार को संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का काम मोबाइल ऐप, गन्ना पत्रों और फिर पोर्टल के माध्यम से होना है। इसीलिए गन्ना कर्मियों को सभी पहलुओं, तथ्यों और तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गन्ना के दौरान एक परिवार के लिए एक फेज का फॉर्मेट होगा, जहाँ इसमें 15 सदस्यों की विस्तार से जानकारी अंकित की जाएगी। जब फॉर्मेट में लिखी जाने वाली विस्तृत जानकारी की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 9,360 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 50,000 से भी अधिक गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मचारियों की भी नियुक्ति होनी है। जहां इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा पद सृजित किए गए हैं। इसकी मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग ने इन नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को लेकर के सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया है। जी हाँ,
50,000 रिक्तियों में से सबसे अधिक 28,000 से अधिक रिक्तियां प्रयोगशाला सहायक के पद पर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रयोगशाला सहायक की पहली बार नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की 7,519 पद भी खाली हैं। इसके अलावा स्कूलों में कई और अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग विभिन्न स्टेज में है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में करीब 50,000 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार स्नातक पास करने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना चलाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत मान्यता प्राप्त कॉलेजों से ग्रेजुएशन करने वाली सभी लड़कियों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का खास बात यह है कि इसका लाभ ग्रेजुएशन के समक्ष या फिर किसी सामान्य तकनीकी की पढ़ाई करने वाले छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकती है, ले सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका पात्रता कौन होगा, तो आपको बता दूं कि आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी हो। इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही मिलेगा। आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए। आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा से भी नीचे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो आपको बता दूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट, BPL राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि आखिर इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, या सारा कुछ तो मेरे पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो भी एलिजिबिलिटी हो वो सारा चीज़ है, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले medhasoft.bih.nic.in/ पर जाएं। यहां रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारियां भर दें। इसके बाद आपको एक लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसकी मदद से दोबारा लॉगिंग कर लें या यहां मांगे गए दस्तावेज अपलोड करके सबमिट आप कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि नौकरी के लिए जमीन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नई दिल्ली में स्थित ईडी के कार्यालय में उपस्थित हुए। सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के बाद ईडी की ओर से उनके विरुद्ध एक और मामला दर्ज कराया है, जहां ये धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। इस मामले में तेजस्वी यादव से अलग से पूछताछ होगी। अच्छा, इससे पहले 26 मार्च को CBI ने इसी मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। ईडी कार्यालय से निकलने के बाद तेजस्वी ने कहा कि केंद्र की हर एजेंसी से पूछताछ में वे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इस प्रकरण में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती और फिर लालू प्रसाद यादव के सहयोगी पूर्व विधायक भोला यादव सहित कई अन्य लोगों से CBI पूछताछ कर चुकी है। लालू और उनसे लोगों के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी के छापे के दौरान अब तक लालू प्रसाद के परिवार वालों के ठिकानों से अकुत संपत्ति मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रित्व काल में बड़े पैमाने पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को 2024 तक केंद्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। जहां वर्तमान में NTPC की विभिन्न इकाइयों से बिहार राज्य को 6560 मेगावाट बिजली का आवंटन मिल रहा है। बिजली कंपनियों ने अगले 1 से 1.5 सालों में NTPC बाढ़ की 2 यूनिट, झारखंड की नॉर्थ कर्णापुर की 1 यूनिट और बक्सर के 2 थर्मल पावर यूनिटों से करीब 1998 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा ब्रेडा की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में से भी करीब 760 मेगावाट बिजली मिलने का अनुमान है। ऐसे में बिहार को मिलने वाली बिजली की उपलब्धता 9000 मेगावाट को पार कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव से CBI की पूछताछ पर सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूछताछ की जा रही है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने इस तरीके का भ्रष्टाचार किया था, जिसको लेकर के जाँच चल रही है। जो भ्रष्टाचार करेगा वह कोई भी हो बच नहीं पाएगा। दिल्ली में एक इसका मकान है जिसके मालिक तेजस्वी यादव है, उसे सिर्फ 4 लाख रुपये में खरीद लिया गया। तो ये कैसे संभव हुआ है, इसको लेकर के पूछताछ चल रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये पूरा मामला ललन सिंह का ही उजागर किया हुआ मामला है।
दोस्तों बात करते हैं कि जब आपके फ़ोन की बैटरी कम होती है और आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों तो उस स्थान पर इंस्टॉल किए गए एक चार्जिंग डॉक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सावधान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सार्वजनिक चार्जर आपकी सोच से कहीं ज़्यादा सुरक्षित नहीं हो सकते। FBI ने हाल ही में US में यूज़र्स को यह सलाह दी है कि वे मॉल और मार्केट जैसी जगहों पर पाए जाने वाले सार्वजनिक चार्जर का उपयोग करने से के बजाय अपने खुद के पावर बैंक को ले जाएं। अगर पब्लिक चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हैकिंग का सामना करना पड़ सकता है जहां आपके फ़ोन को हैक हो सकता है। FBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल या फिर शॉपिंग मॉल में फ्री चार्जिंग स्टेशन का उपयोग ना करें। बुरे तत्वों ने सार्वजनिक USB पोर्ट का उपयोग करके मेलवेयर और मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को डिवाइस पर इंस्ट्रोल्यूड करने के तरीके खोज लिए हैं। अपने चार्जर और फिर USB कार्ड को साथ लेकर के बिजली विद्युत बिंदु का उपयोग करें। यानी कि अगर आप जब भी रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ पर वहाँ का चार्जर यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वहाँ के चार्जर के द्वारा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो फिर आपके फ़ोन को हैक हो सकता है। अगर आपके फ़ोन हैक हो जाते हैं तो फिर आपके मोबाइल में जितने भी जो भी जानकारियाँ हैं, प्राइवेट जानकारियाँ, सभी चीज़ आपका हैक किया जा सकता है, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका बैंक अकाउंट भी आपके मोबाइल से लिंक है तो फिर आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC ने फार्मासिस्ट के पदों के ऊपर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से कुल 1539 खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट BTSC.BIS.NIC.IN पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की तारीख 4 मई 2023 है। आपको बता दें कि इसके बाद किसी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब फार्मासिस्ट के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया फार्मासिस्ट पद के लिए आए कुल आवेदन की संख्या पर निर्भर करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। अब तक 24 जिलों में कोरोना फैल चुका है। कल बिहार में कोरोना के 52 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां इसमें 29 मरीज पटना के हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार पहुंच चुका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं वे चिंता पैदा करने वाली है। बिहार में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 174 से बढ़कर के 214 हो गई है। अकेले राजधानी पटना में ही 50% से अधिक मामले हैं। पटना में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 114 है, जहाँ दूसरे नंबर पर गया है जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 21 है। तीसरे नंबर पर भागलपुर 13 और चौथे नंबर पर मुंगेर है, जहां यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है। आपको बता दूं कि अब तक कुल 24 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का मामला मिल चुका है। उनमें हैं भागलपुर, गया, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, कैमूर, खगड़िया, नालंदा, रोहतास समेत अन्य जिले शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री आगामी सालों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता को मजबूती देने के में लगे हुए हैं। यही वजह है कि वे फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं और वहां बड़े नेताओं के साथ मिलकर भी मुलाकात भी कर रहे हैं। नीतीश ने दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले बिहार में सहयोगी के रूप में सरकार चला रही पार्टी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इन दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट की मुलाकात हुई, जहाँ इस बीच अब नीतीश कुमार के पुराने सहयोगियों और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के शरण में नतमस्तक हो चुके हैं। उन्होंने नीतीश की लालू से मुलाकात का फोटो ट्वीट किया और लिखा है कि लालू जी शरण गम छमी। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार से 7 सवाल पूछे हैं। इस फोटो के माध्यम से नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई साहब आप सही थे और मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। नीतीश बाबू, बिहार की जनता, अपने समर्थक, शुभचिंतक, इस फोटो का क्या अर्थ निकालें, ये कहना है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने कहा है कि क्या आप श्रीमान लालू जी को ये कह रहे हैं कि भाई साहब 1994 के बाद मैंने जो आपके खिलाफ राजनीति की वह एक भूल थी, गलत था एवं बिना सोचे समझे था। भाई साहब 1994 के बाद विभिन्न चुनावों के अवसर पर संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में आपके एवं आपके कार्यकाल के बारे में मैंने जितने भाषण दिए वह सभी असत्य थे, बिना सोचे समझे एक तथ्य से परे थे क्या, ये कहना है आरसीपी सिंह का। यानी कि आरसीपी सिंह ये सारा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान होटल
अर्कडिया से बाहर निकलने के मामले में पर नया मोड़ आया है। इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को प्रसारित वीडियो में तेज प्रताप यादव के सामने घुटनों पर बैठ करके होटल के महाप्रबंधक माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि पुलिस वालों की उपस्थिति में होटल प्रबंधक ने गलती स्वीकार करते हुए उनसे माफी मांगी थी। जो होटल के महाप्रबंधक संदीप पपालिया ने हालांकि इससे इनकार किया है। संदीप ने कहा है कि 7 अप्रैल की रात तेज प्रताप और उनके सहयोगियों की से बातचीत करने के दौरान धक्का लगने से वह गिर गया था। जहाँ वह जब खड़े हो रहे थे तो फिर किसी ने उसका वीडियो बना करके एक हिस्सा प्रसारित कर दिया। मैंने माफी नहीं मांगी थी, 2 सेकेंड के इस वीडियो में ऑडियो नहीं है। हालांकि KDB लाइव ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। जब पटना में रविवार को जबरदस्त पछुआ हवा का प्रभाव रहा। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना अभी आधा भी नहीं बीता कि गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जब बढ़ते तापमान के साथ साथ गर्म पछुआ हवा से लोग झुलसने लगे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में पश्चिमी हवा की रफ्तार अब तेज होने लगी है। अगले 4 दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर सती हवा का प्रभाव 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। साथ ही आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का असर भागलपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल सहित दक्षिण पश्चिमी जिलों के आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उसके आसपास एवं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक बिहार में तेज पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। इस दौरान बिहार में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब विरोध के सुर भी शिक्षक संघों से बाहर निकलने लगे हैं। जहां नियोजित शिक्षकों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। जहां शिक्षक संघ के पदधारकों ने महागठबंधन के घटक दलों के वादा खिलाफी का भी इसे दस्तावेज बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर शिक्षक संघ के सदस्य और फिर पदधारक खुलकर के आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। भर्ती नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब ये तय हो गया है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली परीक्षा पास करके होगी। BPSC इससे जुड़ी परीक्षा का आयोजन करेगा और पास करने वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। वहीं शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनकी अपनी नाराजगी इस नियमावली से है। उनका कहना है कि परीक्षा लेकर के शिक्षक बनने की शर्त गलत है। उनकी मांग है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा से शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले। नए शिक्षक नियमावली में अब पुराने नियोजित शिक्षकों को भी शिक्षकों के लिए BPSC के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। जब परीक्षा में सफल होने पर उन्हें नए कोटि के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। जहां उन्हें 3 मौका दिया गया है। जहां अगर वे 3 बार परीक्षा देने के बाद भी सफल नहीं हो सकेंगे तो बिना राज्यकर्मी का दर्जा पाए ही वे रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।